हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 8th क्लास मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के नए पैटर्न पर बेस्ड होगा। कहने का मतलब है, पहले 25 क्वेश्चंस इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे और नेक्स्ट जो 40 मार्क्स का पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उसमें से आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट सिर्फ मिलेगी, यानी कि ये पार्ट आपको एग्जाम में थोड़ा जल्दी करना होगा, और इसके लिए आपको 1.5 आवर मिलेंगे, जो कि आपके पीरियोडिक की नॉर्मल जो टाइमिंग है वही रहेगी। ओके, तो चलिए एक बार आपको पेपर दिखा देते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी आपको, जिससे कि आपका एक बार पूरा पेपर क्विकली रिवाइज भी हो जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन -7x² इज। -7x² में एक्स स्क्वायर का को कौन है? को होता है जो कि आपका वेरिएबल के आगे नंबर होता है, यानी कि -7। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोनोमियल, इनमें से कौन सा एक मोनोमियल नहीं है? मोनोमियल जिसमें कि सिंगल टर्म होती है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल सिंगल, लेकिन ये आपका बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, यानी कि ये आपका मोनोमियल नहीं है। ऑप्शन है आपका बी करेक्ट। विच ऑफ द सॉलिड्स इज नॉट अ पॉलीहाइड्रोन, इनमें से कौन सा एक पॉलीहाइड्रोन नहीं है? बाकी जो शेप्स हैं आपके पिरामिड, क्यूबर्ड, प्रिज्म, सभी फेसेस को मिला के बनी होती है, बेस होता है, ऊपर से क्लोज्ड होती है, लेकिन स्फेयर एक सिंगल फेस है आपका, एक ही उसमें वो होता है स्फेयर, कोई एज सच कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई अलग से फेसेस नहीं होता, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये आपका पॉलीहाइड्रोन नहीं है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। द एरिया ऑफ रोम्बस हूज डायगोनल्स आर 8 cm x 6 cm इज। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ½d1 × d2। दैट मीन्स ½d1 कितना है आपका, 8 × 6, 2 × 3 = 6, 8 × 3 = 24, यानी कि 24 square centimeter। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ 1 hectare इज इक्वल्स टू। एक फील्ड जो जिसकी लेंथ और ब्रेथ 100 meter की हो, वो एक हेक्टेयर एरिया होता है उसका, यानी कि 100 meter लेंथ, 100 meter ब्रेथ, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 10,000 meter square का जो एरिया होता है फील्ड का, वो एक हेक्टेयर का फील्ड होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इसमें। इसको आप याद रखना, वैसे भी आगे बहुत यूजफुल है, कई बार एरिया आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है। 4^-3 एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ बेस 2, इसमें आपको 2 बेस रखना है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4^-3 है तो 2 के स्क्वायर की पावर -3 हो जाएगी, यहाँ से 2^-2, 3^-6, -6 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानते हैं डेसिमल के पहले बस एक नंबर होना चाहिए, यानी कि नंबर को हम 3.5 लिखेंगे। 10 की पावर कितनी होगी आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर यहाँ से 6 हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 8th, इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक्स और वाई जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है इस तरीके से, तो कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। एक्स इंक्रीज वाई ऑल्सो इंक्रीज, बिल्कुल सही है। एक्स डिक्रीज वाई ऑल्सो डिक्रीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में सेम रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज, ऐसा होता है इनडायरेक्टली रिलेटेड जो दो टर्म्स होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है यहाँ पर, ये ट्रू नहीं है। अ कार ट्रैवल 45 किलोमीटर इन 3 liter पेट्रोल, 3 liter पेट्रोल में 45 किलोमीटर जाती है पेट्रोल, और डिस्टेंस 3 liter पेट्रोल है, 45 डिस्टेंस है, 10 liters में बताइए कितनी जाएगी। तो पेट्रोल बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड में हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 3 × x = 10 × 45। यहाँ से ये जो 3 है आपका, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x = 10 × 45/3, 3 से कैंसिल होगा, 3 15s are, और 15 × 10 = 150, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 150, दैट मीन्स ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6x² 6x² के आप फैक्टर करेंगे, पहले 6 के फैक्टर 2 × 3 × x × x, तो 2 फैक्टर है, x भी फैक्टर है, 4 कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि 6 के फैक्टर में आता ही नहीं है, एक्स स्क्वायर भी एक फैक्टर है क्योंकि हम इसको 6 × x² भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। फैक्टर ऑफ a² - 4, a² - 4 को आप a² - 2² लिखेंगे, फिर इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, a - b × a + b, यानी कि a+2 a - 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा? अगर नंबर की सभी टर्म्स को ऐड करके, जैसे 5+3 8+1 9 आ रहा है तो वो नंबर, या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है, जैसे 9+1 10+8 18 18, क्योंकि 9 से डिवाइड होता है तो ये भी हो जाएगा। अगर नहीं आता तो वो नंबर नहीं होगा। 3 4 7+2 9, ये भी होगा। 1+1+2+1 3, तो ये 3 जो है 9 की टेबल में क्योंकि नहीं आता, दैट इज वाई 111 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। इफ 41x इज डिविजिबल बाई 11, सॉरी 41x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4+1 5,
5 में आप क्या प्लस करो x को कि ये 9 का एक मल्टीपल हो जाए, तो x ऑब्वियसली कितना हो सकता है, सॉरी दिस इज 9 का मल्टीपल नहीं है, 11 का होगा. ओके, 4 प्लस 1 5, और ये ऑड नंबर पर है 1. होता क्या है आपके 1 में 4 प्लस, एक सेकेंड सॉरी, 4 प्लस x और इवन नंबर पर जो प्लेस है वो सिर्फ 1 है. या तो ये इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए या फिर 11 का एक मल्टीपल हो जाए. कहने का मतलब है या तो 4 प्लस एक्स में से जब आप 1 को माइनस करो तो जीरो आ जाए, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, विच इज नॉट पॉसिबल, या फिर जब आप इसको माइनस करो तो 11 आ जाए. कहने का मतलब है 4 प्लस एक्स में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो 11 होना चाहिए. 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11, तो एक्स हो जाएगा आपका 11 माइनस 3, दैट मीन्स दिस इज 8. तो ऑप्शन है आपका बी करेक्ट. नेक्स्ट, इफ कॉस्ट ऑफ 8 ग्राम सैंडलवुड इज 40, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 ग्राम सैंडलवुड. डायरेक्टली रिलेटेड है, जितनी ज्यादा सैंडलवुड आप लेंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे. तो यहाँ पर 8 ग्राम की कॉस्ट 40 है, 5 ग्राम की x ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू x इक्वल्स टू 5 इंटू 40. इसमें 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नेक्स्ट में 8 फाइव्स आर 40, 5 फाइव्स आर 25, तो रुपीज 25. डी ऑप्शन इज करेक्ट. द नंबर 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इन यूजुअल फॉर्म क्या होगा, सो 345. That means option D is correct. 2 to the power 3, 2 to the power 5, 2 to the power 2 is, जब base same हो तो parts आपकी add हो जाती है, तो यहाँ पर ये 2 की power हो जाएगी, 3 plus 5 plus 2, 3 plus 5 is 8, 8 plus 2 is 10, यानी कि 2 to the power 10, option B is correct. The side of a cube whose surface area is 600, साइड बताइए क्यूब की जिसका सरफेस एरिया 600 हो. अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 600, तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 600 इंटू 6 यानी कि 100. किसका स्क्वायर 100 होता है, तो 10 का, दैट मीन्स साइड उसकी 10 होगी. एच सी एफ ओ 5 m स्क्वायर n स्क्वायर एंड 10 m टू द पावर 4 n स्क्वायर इज, पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर कर लेते हैं. 5 m स्क्वायर n स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n, और 10 m टू द पावर 4 इंटू n क्यूब के हो जाएंगे 5 इंटू 2 इंटू m m m m चार बार और इंटू n n n तीन बार. अब कॉमन देख लेते हैं क्योंकि जब हमें एच सी एफ निकालना होता है तो हम कॉमन ही देखते हैं. 5 कॉमन है, m कॉमन है आपका, उसके बाद एक और m कॉमन है, देन n कॉमन है, एंड देन n कॉमन है, तो n इंटू n यानी कि 5 m स्क्वायर n स्क्वायर, ये m क्यूब सॉरी m तीन बार है, 1 2 3 तीन बार कॉमन है, m क्यूब n स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन आपका c ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड बिकम जीरो, अगर किसी क्यूबॉइड की आप हाइट जीरो कर दे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी. क्यूबॉइड आपका ये होता है, अगर इसकी हाइट ही नहीं है आप बिल्कुल नीचे कर दे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा. रेक्टेंगल की जब हाइट होती है तभी वो क्यूबॉइड बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बताना है आपको इन सब का ऐड करके. अब लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होती है, प्लस का साइन लगा दीजिए. ए बी, क्या कोई ए बी की लाइक टर्म है, ए बी है, लेकिन दोनों माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा आपका जीरो. तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एंड सॉरी आगे भी है, 25 क्वेश्चंस है क्योंकि, लेकिन आगे आपको एक ग्राफ को रीड करके बताना है, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन एंड ग्राफ, सैमुअल वॉज गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू अहमदाबाद बाई फ्लाइट विद हिज पेरेंट्स. सैमुअल जो है चेन्नई से अहमदाबाद जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ फ्लाइट में. ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है, एज ही वॉज ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम बाई फ्लाइट, क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है. ही वॉन्ट्स टू मेजर द हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से प्लेन की हाइट को मेजर करता है. एंड हिज फादर हैज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टू मेजर द हाइट, उसके फादर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी है जिससे वो हाइट को मेजर कर सकता है. अब देखिए, पहले जीरो से शुरू होता है प्लेन, 10 मिनट में वो कितनी हाइट पर पहुंच जाता है, 1000 मीटर की हाइट पर. उसके बाद वो 50 मिनट्स तक इसी हाइट के ऊपर कॉन्स्टेंट चलता है. उसके बाद अगले 20 मिनट तक वो नीचे आता है, और 70 मिनट्स में वो किस हाइट पर होता है, वो 500 की हाइट पर होता है, और इस तरीके से फिर वो लैंड कर जाता है, जीरो की हाइट पर आ जाता है आफ्टर 130 मिनट. क्वेश्चन देखिए क्या है, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन की मैक्सिमम हाइट कितनी थी, सो दैट इज 1000 मीटर. स्पीड ऑफ एरोप्लेन वाइल राइजिंग, जब एरोप्लेन राइज हो रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, ये देखिए, 10 मिनट में प्लेन 1000 की स्पीड पे चला गया, 10 मिनट्स में 1000 हाइट पर. तो यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 100 मीटर पर मिनट. ऑप्शन आपका सी करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन ट्रैवल, सॉरी हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन इन लेवल फ्लाइट, किस कितने टाइम तक प्लेन जो था वो इस उसमें था, लेवल फ्लाइट में था. सो ये 10 मिनट्स टू
50 मिनट्स यानी कि 440 मिनट्स, कंप्लीट 40 मिनट वो एक ही जगह पर था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। टोटल टाइम फॉर द फ्लाइट, फ्लाइट का टोटल टाइम बताइए, जीरो से शुरू होकर 130 मिनट पर जाकर फ्लाइट नीचे लैंड करती है यानी कि 130 मिनट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डिक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग 50 to 70 मिनट्स में यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट कितना डिक्रीज हो गई, वो 1000 पे थी और कहाँ आ गई 500 पर, यानी कि 500 मीटर वो डिक्रीज हो गई है। तो ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन, सॉरी 500 ऑप्शन में ही नहीं है, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। ये थी, ओ सॉरी दिस इज 5500, एक सेकंड, ओके सॉरी दिस इज, ये यहाँ पर है यानी कि 400 और 500 के बीच में है ये पॉइंट, तो यानी कि 450 की हाइट पर आ गई है, यानी कि 1000 से 450 अगर आप आ जाते हैं, माइनस आप करेंगे तो आंसर होगा आपका 550 वो डिक्रीज हुई है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो ये थे आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 मिनट्स में हो गए हैं, तो आई थिंक 30 मिनट्स मोर देन इनफ रहेंगे आप लोगों के लिए भी, क्वेश्चंस इजी ही पूछे जाएंगे डायरेक्ट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। अब आते हैं पार्ट टू डिस्क्रिप्टिव पर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन, इनकी प्रोडक्ट बताइए और एक्सप्लेन करिए। -10/3 इंटू पी क्यू क्यूब इंटू 6^5 पी क्यूब इंटू क्यू। चलिए पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2s are 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10 -2, -2 × 2 = -4 पी इंटू पी क्यूब, पी की पावर 4 क्योंकि पार्स ऐड होती है, पी क्यू सॉरी क्यू क्यूब इंटू क्यू इज q^4, तो आंसर हो जाएगा -4 p^4 q^4। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 - 1, जब भी पार माइनस में होते हैं तो नंबर उल्टा हो जाता है, तो ये 2^1 हो जाएगा, +3^1 +4^1, पार 1 मतलब वही नंबर है, तो 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, तो आंसर हो जाएगा इसका 9। नेक्स्ट, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग टर्म्स, टर्म्स को कंबाइन करके आपको इनको इनके फैक्टर करने हैं, इन दोनों का आप एक पेयर बनाएंगे, इन दोनों का एक। अब कॉमन देखिए क्या है दोनों में, 15xy and 6x में, 15 और 6 क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो एक तो 3 कॉमन है, एक दोनों में x है, तो x हम लोग कॉमन लेंगे, 3 5s are 15, 5y -3 2s are 6। अब 5y और 2 -2 में देखते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप +1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 5y -2, दोनों ब्रैकेट्स में 5y -2 है, तो एक तो ब्रैकेट में ये आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x + 1, तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है आपका, या फिर फैक्टराइज कर दीजिए सुटेबल आइडेंटिटी लगा के 4a² - 9b² को। 4a² को हम लिख सकते हैं 2a² -9b² को हम लिख सकते हैं 3b². अब इसमें a² - b² लगाएंगे तो a + b and a - b, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग, a और b की वैल्यू बताइए। 7 में आप क्या प्लस करें कि वही नंबर आए जो पहले उस पर था। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी हो सकती है। 3 में कितना प्लस करें कि a आ जाए, 3 में कितना ऐड करके 6 आएगा, ऑब्वियसली 3, तो कहने का मतलब है a की वैल्यू 3 है, ओके अगर हम यहाँ से लेके चले। अब 7 में कितना प्लस करें कि 3 आ जाए, तो 7 में कुछ भी प्लस करके 3 नहीं आ सकता, 13 ज़रूर आ सकता है। अब 13 अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 1 कैरी होगा, फिर a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो a में एक वैल्यू कम हम लोग रख लेते हैं 2, क्योंकि एक इधर से कैरी होके भी आने वाला है, a की वैल्यू 2 है। अब 7 में आप कितना प्लस करें कि 12 हो जाए, 12 - 7 = 5, यानी कि b की वैल्यू 5 है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन 25 + 37 = 62, चाहे तो आप ऐड करके देख लीजिए, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 5, ओके। द बेस एंड रेडियस, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 and 10, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका सिलेंडर का, πr²h, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, क्योंकि रेडियस आपको 7 दी हुई है और हाइट कितनी है 10, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 7s are 154 और पीछे एक 0 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टर रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज, 42 मशीन्स हैं, नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं बनाने में वो लग रहे हैं 63, हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड, मशीन हमें नहीं पता है, टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज, 54 डेज में कितनी वो बनेगी। अब इसमें पहले तो आप रिलेशन देखिए, जैसे मशीन ज़्यादा होंगी तो दिन कम लगेंगे, मशीन कम होगी तो दिन ज़्यादा लगेंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट रिलेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है सीधे सीधे, दैट मीन्स एक्स इंटू 54 = 63 × 42, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, x = 63 × 42/54, 63 54, पहले 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 1s are 3, 3 8s are 24, देन 3 2s are 6, 3 1s are 3 21, फिर 3 से 3 6s are 18,
3 7s are 21, उसके बाद 6 से 42, 6 7s are 42, 7 7s are 49, यानी कि x की वैल्यू है 49, तो दैट मीन्स 49 जो है मशीन्स वो लगेंगी आपको 54 डेज में ख़त्म करने में काम को. ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन विच 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3. आप जानते हैं डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये माइनस 3 हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 5 to the power 5, तो 5 की पावर इधर कितनी हो जाएगी, m प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5. ऑन इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स को जब आप इक्वेट करेंगे तो m प्लस 3 जो है आपका वो 5 के इक्वल होगा, तो m यहाँ से 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा आपका. अगला क्वेश्चन, इन अ सैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर. इसके और में है, ये 5 बुक्स है, हर किसी की थिकनेस 20 मिलीमीटर है. 5 पेपर ऑफ शीट ऑफ थिकनेस 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? Total thickness बताइए. Write the your number in standard. उसके बाद अपने number को standard form में लिखिए. थोड़ा सा मुश्किल question है, calculation थोड़ी सी ज़्यादा है obviously. एक paper sheet की thickness इतनी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 0.016 into 5. 16 5s are 80, तो ये हो जाएगा 80 और 1, 2, 3, 0.080. इतनी thickness तो paper की है. अब book कितने की है, book एक book की thickness 20 mm है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, into 5 आप करेंगे तो 100 mm. अब total thickness stack की कितनी हो जाएगी, book की और paper की, क्योंकि books और papers दोनों ही रखे हुए, दोनों को add कर दीजिए, 100 plus 0.08, तो ये हो जाएगा 100.080 इतने mm. अब उन्होंने कहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 1 के आगे यहाँ पर पॉइंट आएगा, क्योंकि डेसिमल के पहले बस आप एक ही नंबर लिख सकते हैं, 1.0008. और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, हमने पॉइंट कितना शिफ्ट किया है, डेसिमल के बाद जो जीरो है उसको तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो डेसिमल अब यहाँ मान के चलते हैं 1, 2, डेसिमल तो है आपका ऑलरेडी इसमें, डेसिमल यहाँ था आपका, आपने 1, 2 प्लेसेस इधर किया, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा आपका. ओके, तो ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है. तो उसकी टोटल जो थिकनेस है दैट इज 1.0008 into 10 to the power 2 millimeter. आगे आते हैं, ड्रॉ अ लाइन पासिस थ्रू 2, 3 and 3, 2. ओके, एक आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऐसे, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 और 3 यहाँ पर होगा, एंड 3 एंड 2 आपका यहाँ होगा. और उसके बाद आपको बताना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपकी लाइन को कहाँ पर कट करके जाते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब ये क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं लिए हैं, आप जब इनको प्रॉपरली ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये 50 एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को 5, 0 पे और वाई एक्सिस को 0, 5 पे, यानी कि दोनों को 5 के इंटरसेप्ट पे ये कट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट 4PQ plus 3Q square इज इक्वल्स टू 48PQ square. अब आप जानते हैं कि a square minus b square क्या होता है आपका, इसमें a square minus b square का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, या फिर इसके स्क्वायर को एक्सपैंड कर दीजिए, इसके स्क्वायर को एक्सपैंड कर दीजिए माइनस करके, वो भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सही मानी जाएगी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, दैट मीन्स एक बार हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 4PQ plus 3Q के साथ प्लस करेंगे 4PQ minus 3Q को जो ब्रैकेट में, और एक बार माइनस करेंगे, मतलब 4PQ plus 3Q से माइनस करेंगे 4PQ minus 4PQ plus 3Q, तो और उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. यहाँ पर आपका 3Q 3Q कैंसिल, यहाँ पर 4PQ 4PQ कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4 plus 4 8PQ, और इधर आपका हो जाएगा 3Q 3Q यानी कि 6Q. अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 are 48 पी एज इट इज और q का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव. ये वाला तरीका आसान है अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी कर लेते हैं तो. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, सुजैन लाइक टू बिल्ड ब्लॉक्स फ्रॉम स्मॉल क्यूब्स लाइक वन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. आपको जैसे डायग्राम में दिया है उसको, वो एक ब्लॉक बनाना चाहती है, छोटा क्यूब ये है, उसके बाद बड़े क्यूब्स इसने इस तरीके से बनाए हैं सुजैन ने, ए बी और सी. सुजैन हैज लॉट्स ऑफ स्मॉल क्यूब्स लाइक दिस वन, इस तरीके के बहुत सारे क्यूब्स हैं उसके पास. शी यूज ग्लू टू ज्वाइन द क्यूब्स टुगेदर. ग्लू उसने ज्वाइन किए बनाने के लिए, पहले उसने 8 क्यूब्स को बनाया इस तरीके से ज्वाइन करके टू मेक द ब्लॉक इन द डायग्राम में, देन सुजैन ने डायग्राम बी बनाया. अब आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स पे सुजैन नीड टू मेक द ब्लॉक शोन इन फिगर बी.
डायग्राम बी में जो आपको दिया हुआ है उसको बनाने के लिए उसको कितने वो चाहिए क्यूब, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लेंथ कितनी है इसकी 3, ब्रेथ कितनी है 2 और हाइट कितनी है 2, दैट मींस 3 × 2 × 2, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, यानी कि 12 क्यूब चाहिए होंगे आपको इसको बनाने के लिए। जब भी आपको कोई चीज़ फॉर्म करनी है तो उसमें उसका वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा आपको। ओके, बी कह रहा है सुजैन रियलाइज दैट शी कुड हैव ग्लूड स्मॉल क्यूब्स टुगेदर टू लुक लाइक डायग्राम सी, वो डायग्राम सी की तरह बनाना चाहती है, बट द ब्लॉक कुड नॉट बी होलोड ऑन द इनसाइड, लेकिन अंदर से वो खाली नहीं रह सकता। वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब शी नीड टू मेक द ब्लॉक लुक लाइक शोन इन डायग्राम सी बट इज होलो, कितने उसको वो लगेंगे, होलो हो चाहे फुल हो आपके ब्लॉक्स तो फिर भी उतने ही लगेंगे। तो सेकेंड में कितने होंगे आपके, एक सेकेंड, सेकेंड वाले में होगा लेंथ कितनी है इसकी, थर्ड सी पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर में इस थर्ड 3 लेंथ है, 3 ब्रेथ है, 3 हाइट है, सो 3 यानी कि तो क्यूब है एक शेप, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 क्यूब्स लगेंगे आपको इसको बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट सी है, नाउ सुजैन वॉन्ट्स टू मेक अ ब्लॉक दैट लुक लाइक अ सॉलिड ब्लॉक इन 5 स्मॉल क्यूब्स लॉन्ग एंड 4 क्यूब वाइड एंड 3 हाई, अब वो बनाना चाह रही है 5 क्यूब्स लंबा, 4 क्यूब चौड़ा और इतना ऊंचा हो उसका वो, तो बताइए कितने क्यूब्स चाहिए होंगे। हम फिर भी वॉल्यूम ही निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 × 4 = 20, 23 = 60, यानी कि अब उसको 60 क्यूब्स चाहिए होंगे। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें वॉल्यूम ही बताना होता है। जब आपको ये बताना हो कि कितने क्यूब्स किसी को बनाने में लगेंगे तो उसकी लेंथ देख लीजिए, अगर आपको फिगर दी है, ब्रेथ देख लीजिए, हाइट देख लीजिए, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सेक्शन सी पर आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन है ये आपके, फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है। इसमें आपको मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए और माइनस करके 14 आए, क्योंकि लास्ट वाले नंबर के आगे वाला साइन डिसाइड करता है कि माइनस करके नंबर आना चाहिए या प्लस करके। सो 16 × 2 = 32 एंड 16 − 2 = 14, तो पहले इसके फैक्टर हम लोग करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 16m − 2m, क्योंकि माइनस करके 14 आना चाहिए, −32 एज इट इज है, एम स्क्वायर −16m −+2m −32, यहाँ पर आप m कॉमन लेंगे सो m − 16, यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे m − 16, तो एक ब्रैकेट में आपका आएगा m − 16 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा m+2, ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपको इसको डिवाइड करना है, m − 16 m+2, इसके फैक्टर्स जो हैं आपको डिवाइड करना है इसको m+2 से, तो डिवीजन में m+2 और m+2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा m − 16, बस ये आपका आंसर है और ये 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। आगे है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर्स आपको करने हैं। ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट सबसे डिफिकल्ट अगर मैं कहूँ एक्साइज का यही क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए और क्योंकि 5 मार्क में अगर पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, 25a² − 4b² + 28bc − 49c², सबसे पहले तो 25a² को एज इट इज रखिए। इस ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर के सभी साइन चेंज कर दीजिए, 4b² − 28bc + 49c². अब देखिए कौन किसके स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 5a² माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2a², ये हो सकता है 7c², और बीच में जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2a × 7c, यानी कि जो ब्रैकेट में नंबर है आपका ये किसका फॉर्मूला है, बाहर 5a² एज इट इज रहेगा माइनस a² b² 2ab, यानी कि a − b 2a − 7c का होल स्क्वायर। अब इसमें a² − b² का भी फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज दो नंबर्स हैं, स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो a² − b² की भी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a − b, यानी कि एक बार इन दोनों नंबर्स को आपको प्लस करना है, एक बार 5a में प्लस करना है 2a − 7c को और एक बार 5a से माइनस करना है 2a, और जब माइनस करेंगे तो ये 7c प्लस हो जाएगा 7c, ये आपके करेक्ट फैक्टर होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अपनी तरफ से। आगे है फॉर हिज विंटर ब्रेक मायूक वॉज टोल्ड बाय सोशल साइंस टीचर टू मेक अ मॉडल ऑफ पक्का हाउस, एक पक्का हाउस का मॉडल बनाने के लिए कहा गया, ही डिसाइडेड टू मेक मॉडल ऑफ हिज हाउस फॉर हिज हॉलीडे होमवर्क, तो ऐसा मॉडल उसने हॉलीडे होमवर्क में बनाया है, ही डिड सो बाय यूजिंग ग्लू, ग्लू से उसने ऐसा किया, ग्लास शीट और सीजर से, ही पुट कलर टेप अराउंड द एज, एज पे उसने कलर टेप लगा दी, एज मेजर करिए शोन इन द फिगर, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स करिए। ओके, काफी क्वेश्चन हैं इसमें, 5 ही क्वेश्चन होंगे आई थिंक। पहला है हाउ मच कलर टेप विल बी रिक्वायर्ड टू पुट अराउंड ऑल एजेस, सभी एजेस को मिलाने के लिए उसे कितनी जो है कलर टेप लगानी पड़ी, एजेस काउंट कर लीजिए सिंपल, ये कितनी है 8, सॉरी कितनी एजेस है 4, तो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एजेस है और सभी एजेस 10 इंचेस की हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 16, 160 इंचेस,
यानी कि इतनी बड़ी आपको क्या चाहिए होगी, टेप चाहिए होगी 160 इंच. नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बॉटम फेस ऑफ स्क्वायर इफ 1 foot इक्वल्स टू 12 इंचेस. नीचे वाले का एरिया आपको बताना है कितना होगा. नीचे एक स्क्वायर है आपका 8x8 का, उसका एरिया होता है 8×8=64 इंचेस. अब वो कह रहा है 1 foot में 12 इंचेस होते हैं, फुट में एरिया बताइए, फीट में कितना होगा. तो अगर एक फीट में 12 होते हैं तो 64 में कितने हो जाएंगे, 64 divided by 12, 12 5s are 60, यानी कि 5 feet and 4 inches, ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द पक्का हाउस. इस पक्का हाउस में कितने ट्रायंगल्स हैं, ऊपर जो चारों ये आपने बंद किया है चारों फेसेस में लगा के, तो ये चार ही ट्रायंगल्स हैं. आंसर विल बी 4 triangles. नेक्स्ट, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ कलर टेप रिक्वायर्ड फॉर द पक्का हाउस इफ वी डिक्रीज द हाइट ऑफ द बॉटम बाई 16 inches to 10 inches. ओके, सॉरी, एक क्वेश्चन तो गलत हो गया. ए जो पार्ट था उसका हमने सभी एजेस को 8 ले लिया, जबकि ये एजेस 8 है, ये 16 है और ये 10 है. आई एम सो सॉरी, इसको दोबारा करना पड़ेगा. बेस पे जो टेप लगेगी वो 8×4, क्योंकि चार टेप्स यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर जो लगेगी 16×4 और यहाँ पर जो लगेगी 10×4, फिर आप इनको ऐड करेंगे. फर्स्ट का आंसर मैं दोबारा करा रही हूँ, ये 32 inches, 16 4s are 48 inches, 64 inches, 40. अब आप इनको ऐड करेंगे, 40 plus 64 plus 32, 4 plus 2 6, 6 plus 4 10, 10 plus 3 13, 136 inches जो है पूरी उसमें टेप आपको चाहिए होगी. ओके, लास्ट में वो कह रहे हैं कि अगर हम हाइट को 16 से 10 कर दें तो कितनी टेप चाहिए होगी. तो बस एक ही चेंज होगा आपका यहाँ पर, कि 16 की जगह 10 हो जाएगा और इसमें भी 40 लगेगी टेप. अब आप ऐड कर दीजिए, 40, 40, 80, 80 plus 30, 102, 80, 80, sorry, 112, इतनी इंचेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द गिवन मॉडल ऑफ पक्का हाउस. फेसेस कितने हैं इसमें, एक फेस नीचे, चार यहाँ पर और चार ऊपर इनको क्लोज करने के लिए, यानी कि 9 faces हैं. एजेस की अगर बात करें तो चार एजेस नीचे हैं, चार यहाँ पर है, 8, चार यहाँ पर है, 12 और चार ऊपर, यानी कि 16 एजेस हैं. फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, यानी कि कॉर्नर्स कितने हैं, 1, 1 second. वर्टिसेस हैं 1, 2, 3, 4, चार कॉर्नर्स ही हैं, 5, 6, 7, 8 और ऊपर एक 9, तो वर्टिसेस हैं 9. क्लियर, तो दिस विल बी क्वेश्चन क्या था, 9, 16 and this is 9, this is 16, faces and vertices are also 9. Next, simplify करिए, a into a square plus a plus 5, find its value at a equals to 1. पहले इसको simplify करना है, फिर a 1 पे इसकी value निकालनी है. पहले multiply कर लीजिए, answer हो जाएगा a cube plus a square plus a plus 5, ये answer है. और a 1 यानी कि 1 cube plus 1 square plus 1 plus 5, 1 2 3 5 and 3 8, तो answer हो जाएगा आपका 8. नेक्स्ट, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 51² - 49² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसमें आइडेंटिटी लगेगी, जहां पर एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यानी कि 51 - 49 होगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, आंसर आपका 200 हो जाएगा. सिंपल, आइडेंटिटी जरूर लिखिएगा जो भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं. जैसे इसमें ए माइनस बी लगाया है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसको लिख देना है आपको. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर. होपफुली एनसीआरटी की अगर आपने प्रिपरेशन किया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआरटी ही है. कुछ जो आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस जो बने हैं, वो आउट ऑफ एनसीआरटी देने ही पड़ेंगे आपको. जैसे कि एक आपको लास्ट में दिया हुआ है, आपने जो हाउस बनाया ऊपर भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वही सिर्फ आउट ऑफ एनसीआरटी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेपर आपका एनसीआरटी बेस्ड ही है. ओके, तो प्रिपरेशन आपकी अपनी करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम.